मुख्य वक्ता रहेंगे राजीव रंजन रॉय जी, जो चीफ एडिटर हैं एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर के। बजट पर चर्चा करेंगे, मेन मुद्दा रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि बजट में इस बार ज़्यादा खर्चा भी जो है हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर ही करने का फोकस रहा है सरकार का। तो इसलिए हमने ये जो टॉपिक है सर ने इंटेंशनली सजेस्ट किया है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी हम शुरू करेंगे। मैडम एक बार बेशक कॉल करके देख लीजिए उनको। सर मैंने मैसेज किया था, सर ने रीड किया है मैसेज, कर लिया है क्योंकि कर लिया सर ने मैसेज, समय क्योंकि ऊपर चला गया है फिर। तब तक आप बेशक इनके साथ लिंक शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, उसको कर दीजिए दोबारा। सर जुड़ चुके हैं? नहीं सर, नहीं नहीं, ये तो राजीव चंद्र जी सर हैं। हां जी, जुड़ चुके हैं सर। जुड़ गए हैं जी। चलिए एक सेकंड। राजीव रंजन सर अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार हेलो हाय जरा कह दीजिए। राजीव सर जुड़ चुके हैं सर? नहीं नहीं, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। राजीव शर्मा जी मैडम? नहीं, राजीव रंजन रॉय आया है सर। हाँ जी, आगे आगे। राइट 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 सर, आई गॉट। वेलकम राजीव सर जी। मैडम आप अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए प्लीज। कर दिया सर मैंने। हाँ चलिए, बिना किसी औपचारिकता के आज हम अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं और विषय जैसा कि आप देख ही रहे हैं टॉपिक आप सब लोगों के सामने है, बजट 2021 बूस्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए श्री राजीव रंजन रॉय जी जो सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर हैं उनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि वो आप लोगों के साथ इस विषय पे चर्चा करें। लेकिन मुख्य वक्ता से रिसोर्स पर्सन से आप लोगों का परिचय कराने से पूर्व और स्वागत करने से पूर्व उनका आप लोगों के साथ दो तीन बातें करनी बहुत आवश्यक हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि दो डिपार्टमेंट्स इसको आयोजित कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स निश्चित रूप से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो डे टू डे नई से नई चीज़ों के साथ डील करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग
की कोशिश रहती है। और संस्कृत एक ऐसा विषय है जो बहुत पुराना, पिछड़ा हुआ और अभी तक उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जब ये दो डिपार्टमेंट आपस में मिलकर किसी एक ऐसे विषय को जो जिसके ह्यूमन कंसर्न्स हैं, सोसाइटी जिसका कंसर्न है, उस पर अगर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक नया प्रयोग होता है। नया इस अर्थ में ये प्रयोग होता है कि सोशल साइंटिस्ट के तौर पर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इन विषयों को तो डील कर ही रहे हैं, अपनी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी कर रहे हैं। लेकिन एक जो तरीका पुराना प्राचीन रहा है, क्योंकि भारतीय सभ्यता भी बहुत प्राचीन रही है और बड़ी समृद्ध भी रही है, हालांकि इतिहासकार जैसे मर्जी पढ़ाते रहे एनसीईआरटी की किताबों में, लेकिन जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो हमें कुछ और ही बताते रहे। तो क्या उस दृष्टि से आज के ह्यूमन कंसर्न्स को हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, ये एक बात है आज के वेबिनार की। दूसरी बात, जो लेटेस्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए बड़ा जोर दिया गया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कि क्या दो विषयों के, अलग अलग विषयों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोई चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या दोनों एक ऐसे अलग अलग विषय हैं कि जहां आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक जो हम जिस एजुकेशन सिस्टम के पार्ट बने हैं, वहां एक दूसरे के साथ हम लोग चर्चा नहीं करते, संवाद नहीं करते, और ज्यादातर इसीलिए विवाद होता रहा है, डायलॉग डेवलप नहीं हो पाया। ये मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी एक त्रासदी रही है। तो ये आज का जो विषय है, ये एक तरह का चुनौती भी है, प्रयोग भी है, और एक नई समझ डेवलप करने का भी एक प्रयास है कि क्या इकोनॉमिक्स और संस्कृत की दृष्टि में कहीं कोई सामंजस्य हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके सामने मैं बड़े सीधे सीधे विषय की ओर ही आते हैं कि संस्कृत के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं तो तीन पर्सपेक्टिव आपको दिखाई देंगे कि जब हम बजट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं बहुत व्यापक विषयों पर नहीं जा रहा, लेकिन सीधे सीधे बजट की बात पर आ रहे हैं। सामान्य रूप से जो सोशल साइंसेस की बात होती है या बजट को लेकर के उसके विश्लेषण की बात होती है, तो उसके दो मेन अंडरकरंट्स हमें दिखाई देते हैं। पहला तो ग्रीक वे ऑफ परसेप्शन है। ग्रीक वे का मतलब है कि वहां पर अगर आप उसके इतिहास और माइथोलॉजी को देखें तो वहां गॉड्स और मैन के बीच की एक लड़ाई है, और वहां पर कुछ ना कुछ अचीव करना है, और आपने संघर्ष के माध्यम से अचीव करना है। इस दृष्टि से जब आप बजट को देखते हैं तो हर सरकार का जो बजट होता है वो इस लाइन को फॉलो करता है कि किस तरह से आप दुनिया की जो एक मार्केट इकोनॉमी है, बिजनेस है, उसमें किस तरह से आप संघर्ष करके अपने देश के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चीजों को लेकर के आते हैं। तो बजट जो है वो एक तरह से ग्रीक वे जो अंडरस्टैंडिंग है बजट की, वो है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट उसमें क्या है। और जब आप पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है हमेशा से, तो आप यही देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये अचीवमेंट्स होने जा रही हैं। दूसरा है अब्राहमिक वे ऑफ डिकोडिंग बजट। अब्राहमिक वे का मतलब है कि आप अगर इन लाइंस को फॉलो करते हैं, इन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, इन कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो यू विल रीच दैट लैंड वेयर हनी एंड मिल्क विल बी अवेलेबल टू यू। तो अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं जो बजट में प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उस दृष्टि से आप जो है हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा प्रदान कर देंगे जिससे कि सभी लोग खुश हो सकें और सभी को जो है चीजें उपलब्ध हो सकें। और सारी की सारी सोशल साइंसेस जो हैं, आप इन दो पैराडाइम्स में जो हैं उनको बांध सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। लेकिन एक तीसरा वे है जिसे हम संस्कृत का वे कहते हैं, जिसके बारे में मैं दो एक मिनट में बात करूंगा, और उसके बाद मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो इस विषय आज के मुख्य वक्ता का हमारे से परिचय कराएं।
संस्कृति या इंडियन ट्रेडिशनल वे जो है वो परसेप्शन पे निर्भर करता है कि आप देखें कैसे। अचीवमेंट के ऊपर नहीं फोकस है, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस नहीं है, परसेप्शन। और परसेप्शन क्या है कि अगर आप सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स ले आते हैं, अगर आपकी सोसाइटी सेंसिबल इतनी हो जाती है कि हाउ मच यू रिक्वायर एंड हाउ मच यू डू नॉट, तो उसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, और वो मैं आपके साथ शेयर करते हुए मैडम को आमंत्रित करूंगा, डॉक्टर अरविंदर कौर जी को, कि आपकी अपनी जो ट्रेडिशन है वो सबसे ज्यादा एक्नॉलेज अगर किसी चीज को करती है तो वो इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि अर्थ मूलो ही धर्म कामो, कि पैसा जो है वही धर्म और काम का, हर तरह की जो डिजायर्स हैं और हर तरह की जो ड्यूटीज हैं और हर तरह का जो सिस्टम है, धर्म का मतलब रिलीजन मत समझिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, तो जो आपका जो अर्थ है, जो इकोनॉमिक्स है, वही हर चीज का बेसिक्स है। और इसमें हमें दो तीन उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, बड़े ब्रीफली आप उनको देखिए। मैं संस्कृत नहीं पढ़ने जा रहा क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो संस्कृत से परिचित नहीं होंगे, लेकिन उस संस्कृत के श्लोक के एक ब्रीफ सा जो जिसे आप भावार्थ कहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि ये किरातार्चनी में एक ग्रंथ मिलता है जिसमें बड़े क्लियरली इन चीजों को उसने अंडरलाइन किया है कि, और एक जो गुप्तचर है वो आकर के दूसरे राजा को उसके बारे में बता रहा है कि जो जिस राजा की मैं खबरें लेकर आया हूँ वो किस तरह से अपनी चीजों को, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने सोर्सेज हैं, उनको किस तरह से मैनेज करता है। तो ऑब्वियसली वो बजट के बारे में ही एक तरह से बात कर रहे हैं, हालांकि बजट नाम वहां पर नहीं है। तो आप जो इसका एक सार सा देखेंगे इस श्लोक का, उससे आपको पता लगेगा कि उस वक्त की जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, कि विदाउट एनी बायस ही डिवाइडेड द रिसोर्सेज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर अलोंग विद द जेन्युइन एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड ऑल थ्री बेसिक्स ऑफ वेलबींग, नेमली धर्म अर्थ काम। धर्म यहाँ पर फिर वही सिस्टम है जिसमें लोग एक व्यवस्था का पालन करते हैं, धर्म को आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिप्लेस कर लीजिए, अर्थ आपकी इकोनॉमिक्स है और काम जो आपकी सारी डिजायर्स बेसिक फंडामेंटल हैं। काम ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डिडंट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कि वो कहीं पर भी कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का आपकी पॉलिसीज के साथ, आपके पॉलिटिक्स के साथ, अन्य चीजों के साथ कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को एनरिच करती है। उसी के साथ साथ एक और वो रेफरेंस, बड़ा मजेदार रेफरेंस, वो भी ध्यान में हम कर लें, तो एक नई दृष्टि से आज हम बजट को देखेंगे मुख्य वक्ता के भाषण के बाद। बाय हिज एप्रोप्रिएट एफर्ट्स अप्लाइड द पॉलिसीज इन अ जस्ट मैनर विच इन रिटर्न ब्रॉट वेल्थ एंड वेलबींग। बजट वेलबींग का डायरेक्टली बात नहीं करता, वेल्थ की जरूर बात करता है, फैसिलिटीज की बात जरूर करता है, लेकिन अगर आप इस श्लोक को देखेंगे अनारतम वाला, तो बाय हिज अप्रोप्रिएट एफर्ट्स अप्लाइड द पॉलिसीज इन एन जस्ट मैनर विच इन रिटर्न ब्रॉट द वेल्थ एंड वेलबींग टू हिज सब्जेक्ट बाय कम्पीटिंग ईच अदर, कि वो सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हुए ज्यादा से ज्यादा वेलबींग और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ हमारे नेशन के लिए लाती है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग संस्कृत डिपार्टमेंट की है बजट के बारे में, और उसके बाद मुख्य वक्ता के बाद हम जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि वो कौन से 9 पैरामीटर्स हैं विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 72 पैरामीटर्स, कि जिसके आधार पर हमें बजट को विश्लेषण करना चाहिए। तो बजट के बारे में ये 5-6 चीजें आप सभी जानते हैं, मुझे इनके बारे में जिक्र नहीं करना है, लेकिन हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि ये बजट बहुत दृष्टियों से अलग भी है, जिस तरह के रूटीन बजट आज तक आते हैं रहे हैं, आप सभी स्लाइड्स देख सकते हैं अपनी, तो ये उस दृष्टि से बहुत अलग बजट है। और इसमें जो 6 पिलर्स हैं वो आप सभी ने पढ़े ही हैं, सुने हैं और जानते हैं, मुझे आप लोगों को नहीं बताना, तो इसलिए आशुतोष सर प्लीज क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड मोड में डाल सकते हैं? ओके जी सर, अभी हाँ वो अभी
प्रेजेंटेशन मोड में नहीं आई। जस्ट लेट मी, ये सिक्स पिलर्स को दो मिनट रहने देते हैं सोनिका, है ना, देख लेंगे सब। वही ना, स्क्रीन को मैक्सिमाइज तभी होगी ना जब स्लाइड शेयर में जाएगा। स्लाइड शेयर नहीं हो रही क्या? स्लाइड को सर आप प्रेजेंटेशन मोड में नहीं हो रही सर, ये नीचे नहीं। मैडम सुषमा दहिया, प्लीज आप स्लाइड शेयर ना करें, स्क्रीन शेयर ना कीजिए। मैडम सुषमा प्लीज, एक सेकंड मैम, मैं दोबारा कर रहा हूँ। थोड़ी कंप्यूटर्स भी जो हैं वो बड़े पुराने हो चुके हुए हैं, काम कर भी रहे हैं। नीचे आ रहे हैं ना तीन बटन, तो आप प्रेजेंटेशन मोड में उसको कर दीजिए प्लीज। ये स्लाइड आपकी पीपीटी के नीचे सर। ओके 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 ओके। हाँ ये पहले भी था लेकिन मुझे मालूम नहीं ये क्यों नहीं जा रहा है। अभी हुआ नहीं सर, दोबारा सर। सर इसको ना सोनिका दो मिनट इसी स्लाइड को रहने देते हैं। तो वही तो बड़ी तो तभी होगी ना स्लाइड जब स्लाइड प्रेजेंटेशन मोड में जाएगी। सर ऊपर टैब में देखिए स्लाइड शो है, ऊपर टैब में स्लाइड शो है ना, उसमें जाकर कर दीजिए। चलिए अभी मैम थोड़ा सा हम कर लेते हैं, समय थोड़ा सा जा रहा है तो मैं उसके बाद देखता हूँ। बट द नेक्स्ट स्लाइड इज क्लियर सर, स्लाइड प्रेजेंटेशन ना होने से। वैसे तो क्लियर है सर। ओके चलिए, कंप्यूटर से कर रहा है, मोबाइल पे। हाँ ये वाला आप ठीक है, ठीक कर रहे थे सर आप, वो वाला नीचे तीन बटन्स में से लास्ट वाला, ये वाला। हाँ मैम मैं इसी को ही कर रहा था, स्लाइड शो जो है, लेकिन ये चल नहीं रहा, मेरे कंप्यूटर भी बहुत पुराने हैं शायद अपडेटेड ना होंगे। चलिए ये कुछ एक बेसिक बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और आज के जो मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इस दृष्टि से ही इस सारे विषय को देखना और समझना चाहता था, और ये मुझे डॉक्टर हरविंदर कौर जी ने मौका दिया कि मैं इन तीन चार मिनट में आप लोगों के साथ इस सारे विषय पे बात कर सकूं, और एक भूमिका के रूप में कि अलग अलग परसेप्शंस क्या हो सकती हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करने से पूर्व कि मुख्य वक्ता को हम आमंत्रित करें, मैं डॉक्टर हरविंदर कौर जी जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता, उनका स्वागत भी करें डिपार्टमेंट की ओर से, कॉलेज की ओर से, आप सब प्रतिभागियों की ओर से, और उनके हमें परिचय भी करवाएं, और उसके बाद हम डॉक्टर साहब का जो है श्री राजीव जी का अभिभाषण जो है उसको हम सभी लोग सुनेंगे। तो डॉक्टर हरविंदर कौर जी। धन्यवाद सर। सर जो आज के हमारे मेन स्पीकर हैं इस वेबिनार के, श्री राजीव रंजन रॉय जी, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर हैं, और एक प्लस पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स में स्पेशल इंटरेस्ट भी रखते हैं, इकोनॉमिक विषयों पर लिखते बहुत ज्यादा हैं सर। सर कुछ तीन चार साल पहले हमारे कॉलेज में एक बार बजट पर डिस्कशन पर पहले भी आए थे, और हमें सर का जो लेक्चर था बहुत ही पसंद आ रहा। तो सर ने जो टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए, वो जो ह्यूमन, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो बात की गई है, जो सरकार ने फोकस भी रखा है बजट पर इसमें, तो हमें ये टॉपिक खासकर बहुत ही अच्छा लगा। तो जो आज के मेन स्पीकर हैं श्री राजीव रंजन रॉय जी, और जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं, इस बजट की चर्चा को सुनने को आए हैं, मैं सनातन धर्म परिवार की तरफ से, अपने क्लीग्स की तरफ से, अपने प्रिंसिपल की तरफ से सबका वेलकम करती हूँ। और मैं रिसोर्स पर्सन का ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है। बजट वैसे तो कोई दो घंटे में की जाने वाली चर्चा नहीं है, फिर भी हमारे स्पीकर कोशिश करेंगे कि हमें मिनिमम समय में मैक्सिमम ज्ञान देकर वो जाएंगे। तो मैं उनका वेलकम के साथ साथ उनको इनवाइट करती हूँ, राजीव सर को इनवाइट करती हूँ कि वो बजट के विषय में हम सबका ज्ञान वर्धन करें, और हमें बताएं कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में
सरकार ने या वेल हेल्थ के बारे में या एजुकेशन के बारे में जो इस बजट में आया है वो कितना धरातल पर आएगा और कितना वो कागजों में रह जाएगा, हमें ये सर हमारा ज्ञान वर्धन करें। वेलकम राजीव सर, हम आपको सुनना चाहते हैं सर, बजट पर आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद मैडम हरविंदर जी। सर स्टेज आपके लिए खुली है, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। सर आप प्रेजेंटेशन देंगे या सिर्फ लेक्चर ही है? सर वो लॉग्ड इन ही नहीं है, लॉग आउट हो गए थे, अभी तक लॉग इन नहीं किए। लॉग आउट लॉग इन नहीं किया के सबको ना कोई प्रॉब्लम थी कि ऑडिबल नहीं है, मैंने इनको कहा था सर कि ऑडिबल नहीं होगी आप, तो वो शायद पता नहीं लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वेट कर लेते हैं सर, दोबारा उनको देख लीजिए। मैं कॉल करती हूँ, नेट की भी तो दिक्कत है ना सर कई जगह पर आज। देखिए उनसे बात करें आप। अच्छा मुझे लगा एक्चुअली यहाँ पे दिखाई भी नहीं देता ना एक। नहीं सर वो साइड में जो आते हैं ना पीपल की लिस्ट आती है उसमें पता नहीं चलता है कौन कौन लॉग्ड इन है, तो काफी देर पहले लॉग आउट हो गए थे और उन्होंने आपका वेलकम एड्रेस भी नहीं सुना। ये अच्छा हो गया, ये ठीक है। नहीं जब आप मीट की मैम एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना तो आप बाकियों को नहीं देख सकते। हाँ जी सर, हाँ जी, ये तो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। डेफिनेटली ये तो है ही है, आप उनकी चैट भी नहीं पढ़ सकते। आ गए सर, आ गए जी 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 सर। राजीव सर हाँ am I audible now? बिल्कुल अब ठीक है, आवाज आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था। राजीव सर दोबारा से आपको वेलकम करते हैं, एक्चुअली हमें पता ही नहीं चला लॉग आउट हो गए आप। राजीव सर मैं सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से आपका वेलकम करती हूँ। राजीव सर जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ऑथर है, इकोनॉमिक विषयों पर बहुत कुछ लिखते हैं और सबसे पॉजिटिव बात है कि सर इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं बल्कि सर की एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स की। सर एक तरह से कह सकती हूँ कि इकोनॉमिक विषयों पर अगर हम इनको पढ़ें तो हमें कई बार लगता है तो कि जैसे इनके व्यूज है ना किसी बड़े इकोनॉमिस्ट की तरह है, तो इनको पढ़ने के बाद ही हमें लगा कि राजीव सर से बजट पर चर्चा की जाए क्योंकि ये रिसेंट विषय है और लोगों को इस मंथ में तो क्यूरोसिटी बहुत है कि बजट में सरकार ने क्या क्या किया है। तो मेनली सरकार ने वुमन जो डेवलपमेंट के बारे में ही बात की है, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड है या एजुकेशन बेस पे फोकस रखा गया इस बजट में। तो राजीव सर आपसे अनुरोध है कि आप विस्तार से हमें इस बारे में अवगत कराएं कि सरकार की क्या प्लानिंग है एक साल के लिए, वो प्लानिंग फिजिकली हो पाएंगी, फिजिबल हो पाएंगी या वो सिर्फ कागजों में रह जाएंगी, इसके बारे में भी हमें अवगत कराएं। धन्यवाद राजीव सर, फिर से मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने सनातन धर्म परिवार की तरफ से और अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, टीचर्स हैं इकोनॉमिक्स के या और किसी स्ट्रीम के, उनकी तरफ से मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच हरविंदर जी, और मेरे तरफ से सनातन धर्म परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबों को भी मेरा नमस्कार। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि बजट के बारे में बातचीत करने के लिए। बजट जैसा कि हम सबों को पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ए कंट्री, और उसी प्रकार से अपने देश में भी काफी इंपॉर्टेंट है और सब देश के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो प्रोग्रेसिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया द बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि बजट का दायरा काफी बड़ा है इस पे कई चीजों पे हम शायद संभव नहीं होगा कि हम एक डेढ़ घंटे में सारी चीजों को उस प्रकार से एनालाइज करें और उसको समझने का प्रयास करें, लेकिन एक मोटा मोटी मुख्य तौर पे जो मैं जो सोच रहा हूँ कि जिस पे हम आपसे बातचीत करेंगे जो हम सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है, हम जो लोग हैं इंसान हैं इसका किस प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए ताकि हमारा देश मजबूत और भारत जो वर्ष है एक हमारा जो भी आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है उस दिशा में हम ह्यूमन कैपिटल को एक टूल के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम बाकी चीजों को भी बजट में जो
रेफरेंसेस हैं, जो डिसीजंस हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा डिस्कशन का, वो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रहेगा, इनोवेशन रहेगा, और बाकी चीज जब हम इन चीजों को बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप में बाकी चीजें भी आता रहेगा। भाषा के तौर पे मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स करके बोलूंगा, सो दैट कि लैंग्वेज इज नॉट एन इश्यू एट ऑल इन आवर कंट्री नाउ। और आपके कॉलेज में मैं पहले भी एक बार आया हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ही हमने बच्चों से इंटरेक्ट किया था, वो भी कोइंसिडेंटली बजट ही था, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 2018 का बजट था, और आपका वो ऑडिटोरियम इतना बढ़िया है और इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट वाज रियली अ ग्रेट मोमेंट। लेकिन हम वर्चुअली डिस्कशन कर रहे हैं, यह भी उतना ही मुझे लगता है कि मैं भी इंजॉय करूंगा, एंड आई होप यू विल ऑल्सो हैव समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। जैसा कि आप सबों को पता है कि 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया, दैट इज क्वाइट यूनिक इन मोर वेज देन वन। अगर आप देखेंगे, मैं कहता हूं कि द बजट इज एन अटेम्प्ट टू बिल्ड बैक इंडिया इन ए मैनर सो दैट रिवर्सेस विच वी सफर ड्यू टू द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड पैंडेमिक आर अनडन एंड दोज हु सफर्ड आर कंपनसेटेड सुटेबली। अब ऐसा कहा जाता है कि कोरोना की वजह से, थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि बजट के जो इनिशिएटिव्स है वो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, और हमें यह भी पता चलेगा कि हम वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो कोरोना का इंपैक्ट जो है, डेटा आप सबों ने भी इस पे थोड़ा रिसर्च जरूर किया होगा, बट मोटा मोटी मैं बता दूं कि देयर इज एन एस्टिमेट दैट ओवर 12 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। 12 करोड़ लोग, मुझे लगता है कि ये फिगर थोड़ा सा कमी है, ज्यादा होगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपने देखा क्या कि काफी लोग काम करते हैं, और हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है दैट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन आवर कंट्री। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कोरोना में ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है। तो मुझे लगता है क्या कि जो 12 करोड़ का फिगर है, जो फिगर अवेलेबल है रिलायबल प्लेटफॉर्म से, मुझे लगता है कि थोड़ा इट्स ऑन लोअर साइड। इसमें एक ये भी बात आ रही है कि इस 12 करोड़ जिन लोगों की नौकरियां गई, उसमें से 75% जो लोग थे वो स्मॉल ट्रेडर्स, वेज लेबरर्स थे। इसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, इस वाले पॉइंट में मुझे इस बात से मैं सहमत हूँ कि ज्यादातर जो लोग सफर किए वो इस कैटेगरी के लोग थे जो डेली वेजेस से, चूंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अपने यहाँ कैरेक्टर है। इसके अलावा 6.6 मिलियन व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स आल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स। ये बहुत बड़ा फिगर है, 6.6 मिलियन, तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ ह्यूज नंबर। 66 लाख व्हाइट कॉलर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नौकरियां गई, सैलरीड क्लास की नौकरियां गई। और हालांकि ये फिगर थोड़ा सा पीछे के साल का है, ये 2016 ऑनवर्ड्स का है, लेकिन अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं कोरोना पीरियड का तो फिर ये फिगर बहुत ज्यादा हो जाता है। देन यू कैन मेक आउट the job loss because of the job loss process was on for quite some time. इसी बीच कोरोना आ गया तो जॉब लॉस कितना हुआ होगा ये आप we can just imagine. अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, और एज एन वेन वी विल हैव द ऑथेंटिक डेटा, बट जो एस्टिमेशन है उसके हिसाब पे हम कह सकते हैं a huge number of people, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, उनकी नौकरियां गई हैं, which is really painful. अब हम यूनियन बजट में पहली दफा, आपने देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि यूनियन बजट टॉक्स अबाउट 6 पिलर्स टू बिल्ड इंडिया एज ए नेशन। इन्होंने 6 पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है, उसमें से हेल्थ वेलबींग एक पिलर है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पिलर है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, सॉरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि देश के जो डेवलपमेंट प्रोसेस से जो लोग छूट गए हैं उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इस बजट में फोकस दिया गया है। हालांकि सभी बजट में फोकस बाय एंड लार्ज वही होते हैं कि जो पीछे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में वो उनको भी डेवलपमेंट प्रोसेस से जोड़ा जाए, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस से जुड़े हैं और उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। Reinvigorating human capital, ये बड़ा important point है जिसपे कि हमारा focus भी रहेगा कि हमारा जो human capital है उसको हम कैसे reinvigorate करें, उनकी quality को हम कैसे increase करें, that's a very important point जो कि इस budget में quite openly आया है। हालांकि as I said सारे budget में human capital पे emphasis रहता है, as and when
आप जब हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा इस बजट में है क्या कि द बजट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज इश्यूज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ वाला इश्यू पिछले से पिछले बजट में भी था, क्योंकि बार बार सरकार कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सारे चीजों को थोड़ा सा आगे ले जाएं। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बजट के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा, ताकि लगे कि हम बजट पे डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने कोई पॉइंट वहां से उठा करके और हम किसी और चीज पे बातचीत कर रहे हैं, चूंकि बजट को बीच में रखना है। कुछ हम एलोकेशंस की बात करते हैं, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका आ जाती है, और स्टार्टअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। हालांकि हमारा जो स्टार्टअप्स का अभी जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ा कम है, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज नेचुरल सर्टनली हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब अपने यहाँ भी स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया जा रहा है। इनके लिए इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए 830 करोड़ फंड एलोकेट किया है, और अगर हम ये अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट्स, द एलोकेशन फॉर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, हैज बीन इंक्रीज्ड टू रुपीस, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम इनको इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तकरीबन 21 करोड़ कर दिया है, टू बी प्रिसाइज 20.83 करोड़ इस पर्टिकुलर के लिए, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लिए। यानी कि स्टार्टअप के लिए जो है भारत सरकार का जो फोकस है उसमें बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि इट्स वेरी पॉजिटिव साइन एंड इट शुड बी डन इन ए वेरी सस्टेनेबल मैनर, क्योंकि स्टार्टअप्स में बहुत पोटेंशियल है, और स्टार्टअप्स के बदौलत ही आज मैं आपसे एक बता दूं कि स्टार्टअप्स की बदौलत ही आज दो मुल्क पूरे विश्व में काफी अच्छा कर रहा है, एक चाइना और इसराइल। इसराइल के बारे में आप करके जान करके आश्चर्य होगा कि इसराइल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। कोई भी कंट्री आप चले जाएंगे, इसराइल का वहां स्टार्टअप्स आपको काम करते हुए मिलेगा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि चाइना में भी इसराइल जो स्टार्टअप्स की जो संख्या है दैट्स क्वाइट ह्यूज, यानी स्टार्टअप्स के का जो एक स्ट्रेंथ है उसको हमें कैपिटलाइज करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत जरूरी है, उनको आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, उनको आपको इनोवेशन के द्वारा सपोर्ट करना पड़ेगा, R&D के द्वारा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इस बजट में ₹50,000 करोड़ इन्होंने प्रपोज किया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 साल, अगले 5 साल में 50,000 करोड़। आई डू टोटली एग्री कि यह एक स्मॉल अमाउंट है, इट्स नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट, जब दूसरे कंट्री की बजट की अगर आप कंपैरिजन करेंगे इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड, बट आई थिंक दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अ बिगनिंग हैज बीन मेड, एक फोकस डेवलप हुआ है तो चीजें आगे बढ़ेंगी। कुछ बजट हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर कर लूं ताकि थोड़ा सा आप भी अपडेट हो जाएंगे, बिकॉज यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है किससे ज्यादा ही जानकारी हो, बट हम थोड़ा आपको अपडेट कर दें। भारत सरकार का टारगेट है कि मार्च 2019 से, यानी कि जो मार्च 2021 में अभी जो खत्म होने वाला है, इस बीच में तकरीबन 1.4 लाख जो जॉब्स दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में, यानी कि 1,40,000 नौकरियां दी जाएंगी। मुझे लगता है कि मार्च अब आने ही वाला है, और ये थोड़ा पीरियड बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इट्स अ ह्यूज नंबर एंड इट्स अ गुड नंबर दैट वी शुड अप्रिशिएट कि बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि बजट में कि आप लोगों को कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें कितने लोग काम करते हैं, तो आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि मार्च 1, 2019 तक 32,71,113 इंप्लाइज भारत सरकार के डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं, रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं, जिनको बढ़ा करके 34,14,226 करना है, जो कि अभी मैंने आपको फिगर दिया, उसमें वो जब ऐड हो जाएगा तो ये 34,14,226 हो जाएगा, संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी। हालांकि इसके बावजूद भी काफी स्कोप है बढ़ाने के लिए, बिकॉज पोस्ट्स अभी क्रिएशन नहीं हुए हैं, सरकार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मिनिस्ट्रीज हैं, वो जो पुराने जो अप्रूव्ड पोजीशंस हैं उसी पे काम हो रहा है। हालांकि पोटेंशियल ज्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट्स में, 34 लाख 35 लाख इम्प्लाइज ए बी सी डी ग्रुप में इज नॉट अ ह्यूज नंबर, क्योंकि इसमें अगर आप
सी और डी ग्रुप का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो उनका ज्यादा संख्या बनती है, बट आई थिंक दैट देयर इज स्कोप फॉर टू टेक इट फॉरवर्ड, यानी कि और नंबर बढ़ाया जा सकता है। इसमें बजट में ये भी एक इशू आया है क्या कि ये जो आपका सेल करके नॉन स्ट्रेटेजिक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कंपनीज हैं, उसको उसमें जो स्टेक को सेल करके उसमें से टारगेट 1.75 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने का टारगेट भारत सरकार ने रखा है, ताकि जो हमारे और सारे काम है उसको फाइनेंस किया जाए। तो इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उसी को हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं बट कुछ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट भी अंडरटेकिंग्स को थोड़ा सा उसको डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, उसमें स्टेक को बेचा जा रहा है, बिकॉज आपको रेवेन्यू जनरेट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए दैट फॉर दैट यू नीड मनी। अगर कोई दूसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है क्या कि देन यू हैव टू सेल द स्टेक्स। और प्रत्येक पूरे विश्व में यह एक ट्रेडिशन है, एक यह तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का, टू फाइनेंस योर गुड वर्क्स विच यू आर डूइंग फॉर द पीपल। तो अपने यहाँ भी इसको किया जा रहा है, पहले भी हो रहा था, तो दिस हैज बीन गोइंग ऑन, बट एज हैज बीन मेड क्लियर कि हम जो नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसी को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने ये भी बजट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है क्या कि अभी जो हमारा हेल्थ पे जो स्पेंडिंग है वह बहुत कम है, और विच इज लेस देन 2%, इनफैक्ट विच इज स्लाइटली अबव 1%। लेकिन ये मेरा मानना है क्या कि कम से कम 4% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन हेल्थ सेक्टर, जो कि नहीं हो रहा है। दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, वो हेल्थ सेक्टर पे पब्लिक सेक्टर की जो हेल्थ फैसिलिटीज है उस पे वहाँ काफी पैसे खर्च हो रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतवर्ष में भी ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी वी आर अ प्रोग्रेसिंग कंट्री और हमारा पॉपुलेशन बहुत है, और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन तो बहुत हेल्थ के मामले में हमें बहुत दिक्कतें हो जाती है। एंड आपको जान करके बड़ा मतलब यू बी सरप्राइज टू नो दैट कोरोना में तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। यानी कि कोरोना ये जो 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, कल का डेटा था, कल तक का 1,54,000 कुछ था। तो 1,54,000 लोगों की मृत्यु हुई पिछले एक साल में जब से कोरोना हुआ, उसमें कोरोना हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द ट्रिगर, मतलब कोरोना की वजह से ये मृत्यु हुई। आपको जानकर के बड़ा दुख होगा कि अपने मुल्क में तकरीबन 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस की वजह से 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है, तो यू कैन इमेजिन कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है और हमें किस बात को लेकर के चिंता करने की जरूरत है। और हार्ट डिजीज के पीछे जो हमारा लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, हमारा ओबिसिटी प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशमेंट प्रॉब्लम है, देर आर मल्टीपल रीजंस, उस पर कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स के काफी स्टूडेंट्स इस बातचीत में, इस सेमिनार में शामिल है, वो सुन रहे हैं। यहाँ एक फिस्कल डिफिसिट का भी सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हमारा जो टारगेट है उसको हम 3.5% लाएंगे। फिस्कल डेफिसिट, जैसा कि आप सबों को पता है, इट्स वेरी सिंपल थिंग, जो आप पैसे आपके हैं जो खर्च करते हैं उनके बीच में जो गैप है, उस गैप को, उसमें जो डेफिसिट है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। यानी कि अभी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% है ऑफ द जीडीपी। इसको हमारा टारगेट के 3.5% करने की है। हालांकि नेक्स्ट फिस्कल में जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर मार्च से शुरू होगा, भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 6.8% हम इसको कर पाएंगे। यानी कि 3.5% का जो टारगेट है वो काफी दूर है, मुझे लगता है उसके लिए काफी हमें मेहनत करने की जरूरत है। आप सब इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के अलावा भी जो भी स्टूडेंट्स है, वी ऑल नीड टू थिंक कि इसको कैसे किया जा सकता है। और आप इस, और हमें यह भी समझने की जरूरत है, ये जो डेफिसिट है, इस डेफिसिट के पीछे कारण क्या है। क्या आप अच्छे चीजों में जो पैसे खर्च कर रहे हैं उस वजह से अगर डेफिसिट है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। और मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में फिस्कल डेफिसिट को कैसे देखता हूं, समझता हूं। अगर आप सपोज कीजिए, आपको एजुकेशन देने के लिए मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज रहा हूं, और उसके लिए अगर हमें किराए लेने कर्ज लेने की जरूरत है, और मेरा जो घर का बजट है उसका डेफिसिट बढ़ जाता है, तो आई वॉन्ट माइंड।
क्योंकि हम पैसे जो लगा रहे हैं उसका एक रिटर्न आएगा, क्योंकि हम पढ़ाई के लिए आपको हम पैसे खर्च कर्ज लिया है, तो हमारा जो घर का जो डोमेस्टिक बजट है उसमें डेफिसिट आ गया है 10 लाख 20 लाख का, कोई इशू नहीं है, बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर अ बेटर कॉज। लेकिन अगर हमारा ये डेफिसिट सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैंने आपको भारत विश्व भ्रमण पे भेज दिया कि जाइए आप पूरे विश्व घूम करके आइए और ये लीजिए 10 लाख रुपए, वो डेफिसिट है, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई रिटर्न नहीं आएगा और बेवजह हमने पैसे खर्च कर दिए। तो यह समझना बहुत जरूरी है ये फिस्कल डेफिसिट का वजह क्या है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हमें बाद में कभी डिस्कशन करने की जरूरत पड़ सकती है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहां मैं बता दूं, अगर फिस्कल डेफिसिट अच्छी वजह से है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है, देन इट शुड बी अप्रिशिएटेड, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ये किसी और वजह से है कि कहीं आपके प्लान एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ऐसे चीजों में बढ़ोतरी खर्चे आपने कर दिए हैं जिसका कि एसेट्स क्रिएशन से, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, तब ये चिंता की बात है, फिर वो खर्चे कम करने की जरूरत है और वो करना जरूरी है। लेकिन लेकिन फिस्कल डेफिसिट अगर किसी अच्छे वजह से हो रहा है तो वो हमें कम करने की जरूरत नहीं है, वो अगर उस वजह से बढ़ा है तो अच्छी बात है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड फिस्कल डेफिसिट बिकॉज ऑफ गुड एक्सपेंसेस, फिस्कल डेफिसिट बिकॉज ऑफ बैड एक्सपेंसेस। फिस्कल डेफिसिट बिकॉज ऑफ गुड एक्सपेंसेस इज वेलकम, फिस्कल डेफिसिट बिकॉज ऑफ बैड एक्सपेंसेस शुड बी चेक्ड, शुड बी मिनिमम। मैं ये नहीं कहता हूं कि बैड एक्सपेंसेस भी होता है, अब कोई ऑफिसर है तो उसके पास गाड़ी है तो आपके ऑफिसर को यह नहीं कह सकते हैं आप गाड़ी के बदले आप साइकिल से ऑफिस आइए या सारे ऑफिसर्स कार पूल कीजिए, नॉट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड इन इंश्योरेंस सेक्टर, अब इसको बढ़ाने का एक प्रपोजल आया है कि इट शुड बी इंक्रीज टू 74% फ्रॉम द करंट 49%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर जो भारत का है ये बड़ा एक वाइब्रेंट सेक्टर है और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 74% अगर उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता तो ऑलमोस्ट जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है वो फॉरेन प्लेयर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पकड़ में आ जाएगा, यानी कि उनके कंट्रोल में रहेगा। और चूंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसमें सबका लगाव है, जुड़ाव है, इसमें सारे लोग लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तरह से इंश्योरेंस को उनकी जरूरत है, वो इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे कार का हो, चाहे क्रॉप का हो, चाहे मकान का हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भागीदारी है उसको बढ़ा करके 74% करने की है। इसमें डिबेट हो सकता है कि ये इतना नहीं करना चाहिए, फॉरेन इंश्योरेंस सेक्टर को हम हैंड ओवर FDI फॉरेन इन्वेस्टर्स के आगे नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है अपने इकोनॉमी में, आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम है, इट्स मिनिमल है, 25% कभी रहता है, कभी 29% हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 32% के आसपास होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, उन्हें किस चीज का डर है, इट इज अ मैटर ऑफ अनदर डिस्कशन, उसको हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम एक सब्सिडीज पे भी आप जानते हैं कि काफी चीजों पे हमारी सरकार सब्सिडी देती है, जैसे कि आपका फूड पे सब्सिडी है, फर्टिलाइजर्स पे है, LPG पे है, केरोसिन पे है, हालांकि अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है और लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा हायर साइड में है और मुझे लगता है ये रहेगा, बिकॉज एज आई सेड एट द वेरी आउटसेट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, दे आर इन मेजोरिटी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अकाउंटेड बाय द पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, तो दे नीड टू बी सपोर्टेड इन परपेचुटी अंटिल एंड अनलेस इकोनॉमिकली दे बिकम वेरी पावरफुल, वेरी एम्पावर्ड, और उसमें फाइनेंशियली वो सेल्फ सफिशियंसी जब तक उनमें नहीं आ जाती है तो यू नीड टू सपोर्ट दैम, अदरवाइज हमारी स्थिति और गंभीर हो जाएगी, यानी हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें और गिरावट आ जाएगी और उसके रेमिफिकेशंस है, हमारी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, हम खर्च कम करने बंद कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी में एक प्रकार से फिर ठहराव आ जाएगा, बिकॉज अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमी में नहीं आएगी वो जो उछाल, जो स्पीड होनी चाहिए वो नहीं आएगा,
सो कंजम्पशन के लेवल को बढ़ा करके जरूरी है कि लोगों के पास पैसे होने चाहिए, और लोगों के पास पैसे होने के लिए जरूरी है कि उनकी सेविंग्स की कैपेसिटी बढ़े। उसके लिए हमें महंगाई को रोकने की भी जरूरत पड़ती है, कुछ जो चीजें हैं उसको हमें सब्सिडी के साथ देना पड़ता है। ये एक सर्कल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल जिसको बना करके रखना है। अगर आप एकाएक उसको विड्रॉ कर लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, एंड विच ऑन बी अप्रिशिएटेड। इसलिए ये सब्सिडी इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे एलोकेशन में हमारा जो है इट्स नियरली इट्स अ बिट अबव 38,000 करोड़। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हुई एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बजट, बट मुझे लगता है कि एजुकेशन पे भी हमारा जो स्पेंडिंग होनी चाहिए इट शुड बी एटलीस्ट 3-4% ऑफ GDP। ये बहुत कम है, बिकॉज अब चूंकि ये हायर एजुकेशन का है तो हायर एजुकेशन में भी मुझे लगता है क्या कि थोड़ी सी बढ़ोतरी की जरूरत है। अगर हम क्लासिफाई कर दें हायर एजुकेशन नॉन हायर एजुकेशन के, अगर हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एटलीस्ट 4% ऑफ GDP टोटल एजुकेशन सेक्टर के लिए हमें करने की जरूरत है। बिकॉज अभी जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं दैट्स ऑन लोअर साइड। टू पॉइंट्स जो कि अभी तक क्वाइट प्रोमिनेंटली हमारे सामने आ रहा है वह यह है कि हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा जो स्पेंडिंग है वह कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। चूंकि हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन दो सेक्टर्स पे हमें बहुत ही पैसे खर्च करने की जरूरत है। इनोवेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन में इनोवेशन बहुत जरूरी है, और इनोवेशन तो सब सेक्टर के लिए जरूरी है। बिकॉज चाहे वो एग्रीकल्चर का एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस का एजुकेशन हो, चाहे वो स्पेस एजुकेशन हो, चाहे अर्थ एजुकेशन हो, चाहे क्लाइमेट एजुकेशन हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड एजुकेशन हो, चाहे अर्बनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजुकेशन हो, एजुकेशन का कोई भी डायमेंशन हो, वह इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन का दायरा कितना बड़ा है। यू नीड एजुकेशन फॉर एवरी सेक्टर, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, चाहे सॉफ्टवेयर की पढ़ाई हो, चाहे हार्डवेयर की पढ़ाई हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई हो। एजुकेशन का जो दायरा है इतना बड़ा है कि दैट वी नीड लॉट ऑफ फंड्स ऑन दैट। एक इस बजट में, हालांकि पहले भी बजट में इस बातों पे चर्चा हुई है कि, और पहले भी इन्होंने फंड से लोकेट किया था, वह है कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन पे इन्होंने बढ़ा दिया है 500 करोड़ से। इस बार इन्होंने प्रपोजल है 1710 करोड़, विच इज वेरी गुड। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि अपने देश में जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं एंड सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी जो हैं, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग में अभी हमारा जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वहां हम बहुत कम है। ग्लोबल रैंकिंग में अगर आप टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो शायद आज की तारीख में कोई नहीं है। एकाध कभी आ भी जाते हैं तो एकाध साल के बाद वो फिर उस रैंकिंग से निकल जाते हैं। तो हमें यह भी देखने की जरूरत है कि ये जो रैंकिंग है, जो यूनिवर्सिटीज और जो इंस्टीट्यूशंस इस रैंकिंग में आ रहे हैं उनका, उनके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दे हैव स्पेंड सो मच मनी ऑन यू नो अपग्रेडिंग फैसिलिटीज, नॉट ओनली फॉर स्टडी पर्पसेस, नॉट ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस, इवन फॉर द स्टूडेंट्स कैंपस में उनके जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, वो इतना बेहतरीन है कि इन टोटालिटी आप देखेंगे तो वी डोंट हैव मेनी सच इंस्टीट्यूशंस जो उस लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे जिसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यस वी हैव मेनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे रह जाते हैं। अब आपने देखा क्या कि बजट से रिलेटेड हमने एक आइडिया हमारे पास आ गया, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आ गया, एक बजट में जो फंडिंग का पैटर्न है उसको भी वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और एक मोटा मोटी जो एक आइडिया होना चाहिए वो अब हमारे दिमाग में मुझे लगता है कि आ गया है। अब हम इन सारी चीजों के बैकड्रॉप में एक मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाउ वी नीड टू प्लान आवर सेल्स। अब आपने बजट के बारे में देख लिया, हमने हेल्थ के बारे में देख ली, एजुकेशन के बारे में हमने देख लिया, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बारे में भी हमने समझ लिया कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पैसों की दिक्कतें कितनी है, गैप कितना, वो भी हमने समझ लिया, और हमारे जो गोल्स हैं वो भी हमने समझ लिया, कितने पैसे हम दे रहे हैं, कितने पैसे देने चाहिए ये भी हम। काम इंसान के लिए ही होता है,
कि देश अच्छा हो, सारी फैसिलिटीज अच्छे हो. बजट इज नॉट टू यू नो डजंट इनेबल यू टू मेक मोर प्रॉफिट्स. बजट शुड इनेबल अस टू मेक गुड पीपल, टू इम्प्रूव द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. अब मैं आपसे एक डेटा शेयर करूंगा. ये 2015 का डेटा है. 2015 यानी कि पिछ पुराना, ये तकरीबन 5 साल पुराने डेटा है. लेकिन मैं यह आपको जानबूझ करके ये डेटा मैंने शेयर किया है ताकि आप यू कैन रिलेट कि पिछले 5 साल में हाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड और अगले 10 साल में हाउ थिंग्स शुड इम्प्रूव, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन डन. क्योंकि जो मैं आपसे डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ ये आप सबों के नॉलेज में है, आपको ये स्ट्राइक करेगा एंड यू कैन मेक आउट ये डेटा के आधार पे हम कितना तरक्की है. ये डेटा है, ये बड़ा प्रोमिनेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब इनके बारे में जानते होंगे, प्राइस वाटर स्कूपर. ये रिपोर्ट है. पीडब्ल्यूसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स की है और इनके रिसर्च आते रहते हैं, बहुत ही बड़ा रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है. इनका 2015 जनवरी में रिपोर्ट आने के बाद मीडिया में इस पे रिपोर्ट हुआ है. पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. अब यह रिपोर्ट कहता है क्या कि इंडिया विल नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $245 बिलियन through traditional means to deliver desired outcome in 2 decades. Health sector की बात हो रही है यहाँ. अब आप देख लीजिए health sector में ये कह रहा है क्या कि आपको, इन्होंने 2015 में कहा कि आपको $245 बिलियन आपको spend करना पड़ेगा 2015 से 2035 के बीच में आपकी health system में जो desired outcome के लिए. अब आप समझ सकते हैं कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट ऑन हेल्थ सेक्टर. इट्स मोर देन 2% ऑफ जीडीपी. अब इट्स अ ह्यूज अमाउंट. अब आप देखिए हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि दो है. और आप ये भी देखेंगे कि इतना किसने, आप आसपास चूंकि शहर में रहते हैं तो यू कैन इजिली मेक आउट. आप हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाते हैं तो यू कैन इजिली मेक आउट कि उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है. 3.5 मिलियन बेड्स की आपको हमें जरूरत है, यानी कि 20 साल का है, यानी कि 2015 से 20 यानी 2034-35 तक का मान करके चलिए. 3.5 मिलियन 1 मिलियन यानी 10 लाख तो आप समझ सकते हैं कि 35 लाख बेड्स आपको क्रिएट करने हैं हॉस्पिटल्स में. अब आप देख लीजिए कि रिक्वायरमेंट कितनी है. 30 लाख डॉक्टर्स की आपको अपॉइंटमेंट करने हैं. आप समझ सकते हैं कि 30 लाख डॉक्टर्स का अपॉइंट करना कितना आसान काम, कितना चैलेंजिंग टास्क है. ये डिफिकल्ट नहीं है बट चैलेंजिंग है. 60 लाख नर्सेस को आपको अपॉइंट करना है ओवर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स. 20 इयर्स में 5 इयर्स आपका जा चुका है तो 5 इयर्स में अब आप यू कैन कैलकुलेट कि इसमें से कितने डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट हुई है, कितने नर्सेस का अपॉइंटमेंट हुआ होगा. दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. My understanding, my knowledge says that very, very slow progress has been made on this front because medical education is so costly in our country कि बच्चे medical education लेने में उनकी मतलब पसीने छूट जाते हैं. किसी को doctor बनने की बात हो और खुदा ना खास अगर उनकी private institution में अगर admission लो फिर तो वो एक तरफ से वो पूरी जमीन बेच करके doctor बनेंगे, फिर doctor बन करके patients को निचोड़ेंगे, फिर वो उतना मतलब ये it's a bad situation for us जहाँ की it's not a win-win situation for us. It's very costly in our country और उसमें हमें देखने की जरूरत है कि medical education should be ethical, affordable and easily accessible to all. Entrance test वगैरह जितना difficult हो अच्छी बात है, लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया मनी शुड नॉट बी अ कंस्टेंट फॉर देम कि कैसे करना है उसके लिए करने की हमें मुझे लगता है कि जरूरत है. अब आप मैंने आपको बताया कि कितनी बेड्स की जरूरत है. इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन ओवर द 10 साल में, पिछले 10 साल में आपने तकरीबन 1 लाख हॉस्पिटल बेड्स जोड़ा गया है एनुअली. तो अब आप देखते हैं कि 1 साल में अगर हम 1 लाख बेड जोड़ते हैं तो फिर हमें अगर 30 लाख बेड अगर जोड़ने हैं तो आपको 30 साल लग जाएंगे और ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस के हिसाब ये इंक्रीज भी होते रहेगा. एज एन व्हेन यू नो
मोर एंड मोर पीपल यू नो, अगर उसके हेल्थ में बढ़ोतरी नहीं होती है, इंप्रूवमेंट नहीं होता, मोर एंड मोर पीपल यू नो फॉल सिक, देन यू नीड मोर बेड्स। हम इस बात को मान लेते हैं कि एक साल में अगर हम 1 लाख बेड्स ही ऐड कर पा रहे हैं, तो अगर हमें 35 लाख बेड चाहिए तो हमें 35 साल लग जाएंगे, यानी 2000 अभी की हम बात करते हैं 2020, हम 5 लाख हटा देते हैं कि चलो 5 लाख बेड ऐड हो गया पिछले 5 साल में, तो अब आपके पास 30 साल, यानी कि ये मामला जो है 2050 तक चला जाएगा। इट्स वेरी मतलब लिबरल असेसमेंट, और लिबरल असेसमेंट मैं ये के आधार पे कह रहा हूं। अब ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि अगर आप इसी आधार पे काम करते रहेंगे तो आपका 2034 के बाद, यानी 2034-35 के आसपास आपके यहाँ तकरीबन 16 लाख बेड्स का शॉर्टेज रहेगा, यानी कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन हमारी जो नीड है और हमारा जो काम करने का स्पीड है, दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है, द डेफिसिट इज क्वाइट ह्यूज, ये हमें समझने की जरूरत है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वह मैंने आपके नॉलेज में डाला कि आप जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं 2035 में हमें 16 लाख हॉस्पिटल बेड्स की कमी तब भी रहेगी, एंड विच इज अ ह्यूज नंबर। डॉक्टर्स का रेशियो मैं आपको बता दूं, इंडिया में बहुत कम है, इस लेस देन 1 1000 पे हमारे यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, जबकि चाइना में तकरीबन 2 है, दूसरे कंट्रीज में कहीं 3 भी है छोटे छोटे कंट्रीज में, और हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये मुझे लगता है क्या कि मैंने आपको बता ही दिया डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, तो इसके लिए हमें बहुत, वी नीड टू रियली वर्क हार्ड। यह बहुत जरूरी है हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, क्योंकि अगर हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो है कि अभी 66 इयर्स 2012 में था, हमारा टारगेट है कि 2024 तक इसको 71 साल करना है, 2034 तक 80 इयर्स करना है। हमें ये करना है कि जो व्यक्ति आज 66 इयर्स जीते हैं उनको 2024 तक दे शुड लीड फॉर 71 इयर्स, एंड बाय 2034 दे शुड लीड फॉर 80 इयर्स। उसके लिए हमें हेल्थ सेक्टर में बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। बिना हेल्थ का आप ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हेल्थ है और एजुकेशन है। अब आपने यहां तक हमने काफी, मुझे लगता है क्या कि 75% ऑलमोस्ट चीजें अब हमारे लिए क्लियर हो गया है कि बजट का जो हमारा जो टारगेट है, जो हमारे सामने गोल है, जो चैलेंजेस है, वो कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, कहाँ हमें फोकस करनी चाहिए, कहाँ हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इस बैकड्रॉप में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ अब रियलिस्टिक सिनेरियो आपके सामने पेश करूंगा कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का जब हम बात करते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, वह उतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। यह बहुत ही इट्स अ मॉन्स्ट्रस टास्क फॉर अस, इट्स अ मॉन्स्ट्रस चैलेंज फॉर अस, और उसको हैंडल करना, उसको डील करना will not be that easy. अब मैं कुछ सिनेरियो आपके सामने पेश करूंगा, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, ये बहुत जरूरी है, विद स्पेशल फॉर इसमें हेल्थ एजुकेशन दोनों आ जाएगा, फिर आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने आएगा, जो कि बहुत जरूरी है कि व्हाई अ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट शुड बी द फोकस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी बजट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इन पार्लियामेंट एवरी ईयर और विच द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर। Why human capital development should be the principal focus of the state government budget and the central government budget, not for just 1 year, for all the years to come, at least for the next 20-30 years. क्यों ऐसा होना चाहिए? अब उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ scenario share कर रहा हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा statistics कहीं कहीं आएगा, वो आपको समझने में काफी सहूलियत होगी। एक सिनेरियो वन मैं इसका नाम देता हूं, मैं यहां आपको ये बता दूं कि जो हमारे स्कूल में जो इनरोलमेंट होता है बच्चों का, जिनका एज 6 से 14 साल है,
6 से 14 साल के जो हमारे देश में बच्चे हैं उसमें 95% बच्चों का हमारे स्कूल में इनरोलमेंट हो जाता है, यानी कि उसका एडमिशन हो जाता है. इट्स अ वेरी गुड साइन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट कि हमारे जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसका स्कूल में दाखिला हो जाता है. यहाँ बात मैं सिर्फ दाखिले का कर रहा हूँ. आपके आस पड़ोस में अगर 100 बच्चे हैं जिनका एज 6 से 14 साल का है तो उनमें से 95% बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो चुका है. गवर्नमेंट का मानना है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, ऐसा ही होता है. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड वी शुड सेलिब्रेट इट. ये सिनेरियो वन है एंड सो आई एम स्टार्टिंग इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. अब हम सिनेरियो दो पे ले चलते हैं. ये सिनेरियो वन आप याद रखिएगा कि 95% इनरोलमेंट जब बच्चों का होता है तो ये बाकी सिनेरियो कैसे इमर्ज कर रहा है. इसमें फिर आपको चीज है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में हमारा जो फ्लॉज है, जो लैप्सेस है, वो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और फिर उसको जब हम बातचीत करेंगे तो उस पर हम और लाइट थ्रो करेंगे. अब इंडिया का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी आया है, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कहता है क्या कि फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. उनका कहना है क्या कि ये 95% जो है इसको हम 2030 तक 100% ले जाएंगे. दैट्स वंडरफुल टास्क, दैट्स वंडरफुल गोल जो हमने सेट किया फॉर आवर सेल्स एंड आई विश एंड प्रे कि दैट वी आर एबल टू अचीव दिस गोल बाय 2030 किसी भी हालत में. एट द सेम टाइम सरकार यह भी कहती है कि 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है. अब आप देखिए, अब हम हमारे सामने ये फिगर आ जाता है. हम इनरोलमेंट की तो बात कर रहे हैं 100%, अब 2 करोड़ है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे, यानी कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में तो जाते हैं लेकिन वो स्कूल से फिर वापस आ जाते हैं, दोबारा वो नहीं जाते हैं. यहां मैं आपको 2 करोड़ का फिगर शेयर कर रहा हूं बिकॉज यू शुड नॉट फील डिस्करेज्ड. आपको थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि ये इतना मतलब मिस्टर रॉय कहाँ ले जा रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो. मैंने आपको बताया कि 95% हमारा इनरोलमेंट है. सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इट शुड बी 100% इनरोलमेंट. एट द सेम टाइम 2 करोड़ जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसको भी हमें स्कूल सिस्टम में लाना है. दैट्स गुड. मुझे लगता है कि सिनेरियो 2 इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी इनकरेजिंग फॉर अस. And that gives us a sense of happiness and satisfaction. अब एक सिनेरियो 3 में मैं ले चलता हूं. यहां आपको अब हम अपने बच्चों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी आपने देख लिया कि हमारे बच्चे हैं ये स्कूल में पढ़ते हैं. अब यहां एक रिपोर्ट हमारे पास आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें 107 कंट्रीज को एसेस किया गया, उसमें हमारा रैंकिंग 94 है. यानी कि आप समझ सकते हैं कि हंगर का हमारे यहाँ कितना जबरदस्त प्रॉब्लम है. यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो हंगर को भी स्ट्रगल कर रहा है, स्कूल में एडमिशन भी ले रहे हैं. हंगर से अगर आप बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो बच्चों की हेल्थ कैसी होगी. वो स्टंटेड है, वेस्टेड है, वो ओबिस है, ओवरवेट है. चूंकि उनको प्रॉपर नरिश्ड न्यूट्रिशस डाइट नहीं मिलने की वजह से वो उनको इन सारी प्रॉब्लम से भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं. यानी कि ह्यूमन कैपिटल का जो फाउंडेशन है हेल्दी चाइल्ड, बच्चा आपका हमारा जो है वो हेल्दी नहीं है, उसको आप एजुकेशन देंगे वो ग्रास्प नहीं करेगा, आगे पढ़ नहीं पाएगा, एजुकेशन सिस्टम से विड्रॉ कर लेगा. चूंकि उसके शरीर की जो ह्यूमन क्वालिटी है एज अ ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमारे पास जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. हम जैसे कि कहते हैं ना कि आदमी कमजोर है, जैसे कि घर में आप पेरेंट्स के पास जाते हैं और कुछ सामान कैरी करना होता है और आप एक उनसे एक भाई और बहन अगर कमजोर है तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये कमजोर है इसको ज्यादा सामान मत दो, मुझे दे दो हम कैरी करेंगे. बिकॉज पेरेंट्स को यह लगता है कि ये बच्चा कमजोर है, ये इसकी शरीर उतनी ताकतवर नहीं है कि सामान कैरी कर सकता है. सिमिलरली फिर आप पे ध्यान दिया जाता है, आपको हॉर्लिक्स खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, आपको नट्स दिया जाता है ताकि आप मजबूत हों, ताकि पढ़ाई में आप अच्छे करें. लेकिन अब आप यह देख लीजिए कि हंगर में जब हमारी ये स्थिति है तो देन यू कैन इमेजिन कि मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे हमारे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है,
और वो किस प्रकार से पढ़ाई की चैलेंजेस से ग्रैपल करेंगे। अच्छे स्वस्थ बच्चों को पढ़ने में उनका दिमाग हिल जाता है, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं जिनकी शरीर जिनका साथ नहीं दे रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वो ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर एक यूजफुल कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। दो डेटा मैंने आपसे शेयर किया, इनफैक्ट तीन डेटा शेयर किया, ये मैंने हंगर इंडेक्स वाला थोड़ा सा आपको रिवाइव कर दिया ताकि आपका दिमाग समझने में इजी हो, सो दैट व्हेन दिस डिबेट इज ओवर, दिस सेमिनार इज ओवर, यू शुड हैव समथिंग टू यू नो कैरी विद यू, ताकि फिर आप भी अपने प्लान का, एंड यू शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखें कि 95% बच्चों का एनरोलमेंट होता है, भारत सरकार टारगेट है कि ये 2030 तक हम 100% बच्चों का एनरोलमेंट करेंगे। बच्चे का हेल्थ खराब है क्योंकि गरीबी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम। अब हम आपको तुरंत एक रियलिस्टिक डेटा पे ले आते हैं, मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आसपास जब आप स्कूल के पास से गुजरते हैं तो वहां बहुत ही सम्चुअस डिशेस बनता है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। मेरे घर के बगल में भी एक ब्यूटीफुल स्कूल है, पार्क है, और उनके खाना बनता तो लगता कितना हुआ खाना बन रहा है, वेरी हैप्पी दैट द क्वालिटी इज बीइंग डन, और हमारे बच्चों को अच्छा भोजन मिल रहा है, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। और मैंने तो एज ए जर्नलिस्ट कई दफा मैंने टेस्ट भी किया है और भरपेट खाया, हमने तो कई दफा मांग के खाया है, और तो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, और कहीं कहीं तो आपको पता है कि मिड डे मील में नमक और पानी के साथ सूखी रोटी भी दे देते हैं। तो दिस कंट्री इज कंट्री ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, आपको हर एक तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं, तो वो सारा चीज रिफ्लेक्ट होता है। लेट अस नॉट डिविएट, लेट अस फोकस ऑन द बजट। मिड डे मील में आपको पता है कि एक से क्लास आठ के बच्चों को वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स इंक्लूडिंग मदरसास मकतब्स को समग्र शिक्षा के तहत उनको फ्री का भोजन दिया जाता है। 2018-19 में तकरीबन 12 करोड़ बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है, है अभी भी मिल ही रहा होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और वो 11 लाख तकरीबन इस इंस्टीट्यूशंस में इस क्लास के बच्चों को आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेटा, अभी आप 100% एनरोलमेंट की हम बात कर रहे थे, अब हम यहाँ आकर के हमारे पास ये एक डेटा आ जाता है कि क्लास एक से आठ वर्ग के जो बच्चे हैं उनको हम खाना दे रहे हैं और 12 करोड़ बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हमारे हंगर से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए इट्स अ बिग रिलीफ कि वो स्कूल जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस वजह से बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल आएंगे तो कुछ सीख ही लेंगे, कुछ कुछ तो जरूर सीखेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। स्कूल में 4-5-6 घंटे अगर बच्चे व्यतीत करते हैं तो कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, कुछ 2-3 गलत बातें भी सीखेंगे, लेकिन अच्छी बातें सीखने की ज्यादा संभावना। राजीव सर आपकी आवाज नहीं आ रही। राजीव जी डिस्कनेक्ट, हाँ अविनाश लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ मैडम उनको कहना पड़ेगा कि वो रीकनेक्ट करें। डॉक्टर हरविंदर जी कॉल करें सर को, सर हाँ नहीं उनको कहिए कि वो रीकनेक्ट करें, मुझे लगता है डिसकनेक्ट हो गए हैं। बड़ा अच्छा व्यापक वो दे रहे थे दृष्टिकोण, बड़ा अच्छा एनालिसिस और डाटा है, लेकिन चर्चा उसके बाद हम करेंगे। एक बात बहुत अच्छी लगी, जो भी जितने भी बात हुई है सर फैक्ट्स पे हुई है, डेटा पर। सर को मैंने मैसेज किया है, रिसीव नहीं हुआ, फोन करती हूँ सर को, नेट की प्रॉब्लम। प्रोफेसर अविनाश जी आपकी टिप्पणी जरूर इस पे एक एनालिसिस बाद में जरूर लेना चाहेंगे हम लोग,
क्योंकि आप तो अप्लाइड एथिक्स पढ़ा रहे हैं और एथिकल इकोनॉमिक्स आप स्पेशलाइजेशन है। नहीं नहीं, इस पर मैंने कोई विशेष चिंतन किया नहीं और मुझे सब सब दृष्टि से अच्छा ही लगा और इनका अच्छा। विश्लेषण बड़ा ही व्यापक और सम्यक विश्लेषण है। जी 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 हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ कोई नहीं, तब तक हम वेट कर लेते हैं दो चार मिनट और। लेकिन एक इशू जरूर बीच में रहेगा कि हमने जो फंडामेंटल चुने अपने देश के वो मार्केट इकोनॉमी के, और उसके बाद आज हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इनमें तालमेल कैसे बैठेगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बजट की एक्सरसाइजेस जो हैं जिस तरह से की जाती हैं, उनमें ऑप्शंस हमारे पास बचते क्या हैं। डाटा ठीक है, लेकिन वो डाटा और ग्राउंड रियलिटीज जब हम देखते हैं तो कम से कम अपने आसपास को देख करके कई बार तो विश्वास नहीं करने को मन करता है कि भी ये डाटा जो है कि बहुत ऑथेंटिक होते हैं। तो बजट में एक बार इनको तो प्रेजेंट करना होता है लिखकर। हाँ हाँ नहीं वो ठीक है, वो कहीं खाना भुगती भी रह जाता है सर बजट। वो 6 महीने योजनाएं पड़ी रहती हैं, 6 महीने बाद इनको उठाया जाता है, कुछ पूरी होती हैं, कुछ पेंडिंग रहती हैं, कुछ अगले ईयर पर ट्रांसफर हो जाता है। तो सर ये नहीं है देखो। हाँ, कोरोना टाइम्स में एक्चुअली जो हम लोगों ने सर्वे किए, जब ये मजदूरों का कि उन तक कितना अनाज पहुंच रहा है, उनके खाने के उनके जाने की व्यवस्थाएं, 12 से 15 करोड़ मजदूर माइग्रेट करके गए हैं सर यहाँ से। और जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऑर्गेनाइज का काफी भी डाटा है, टेंटेटिव डाटा है ये मजदूरों का, जो राजीव सर ने बताया कि 12 करोड़, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20 करोड़ हो सकता है। इसका डाटा का है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है, और ऑर्गेनाइज का तो हमें पता ही है। और सबसे बड़ी बात कोरोना की ये हुई सर, बच्चों की एजुकेशन छूट गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका परमानेंटली अब स्कूल छूट ही गया। हम देखते हैं सर, जैसे इवन सर्वेंट काम करते हैं उनके बच्चे हैं, स्कूल परमानेंटली छूट ही गया उनका, क्योंकि ना तो वो मोबाइल अफोर्ड कर सकते थे, ना ही इंटरनेट की फैसिलिटी है कहीं। जी जी जी, कई कई दिक्कतें हो रही हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण प्रॉब्लम्स बहुत है जी, ये तो है। क्या करें सर, इस पॉपुलेशन को एसेट बनाने की कोशिश कर रही सरकार, लायबिलिटी ना बने उसकी। हाँ, ऐसा लेकर आए ना, एसेट बनाया जाए। ये जो टॉपिक है सर का है तो इसी से रिलेटेड। बिल्कुल, राजीव सर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी जी, वेलकम अगेन राजीव सर। लास्ट पॉइंट हरविंदर जी, यू I was able to convey. लास्ट पॉइंट कौन सा था जो कि मैंने बोला, कहीं छूट तो नहीं गया? ये सर था कि वन पॉइंट, अच्छा जो लास्ट पॉइंट की बात थी सर, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बाद ठीक है तो आई वाज मिड डे मील के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मिड डे मील में हमने बताया क्या कि अराउंड 12 करोड़ चिल्ड्रन जो क्लास 1 और 8 में है वो मिड डे मील का फायदा उठा रहे हैं। दैट इज, अब हम एक नेक्स्ट सिनेरियो पे हम आएंगे, दैट आई विल टॉक टू यू, जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। अब ये हमारा एक रिपोर्ट है, वो है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, हमारी अपनी रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे यहाँ जो 160 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो स्पीकर वही पॉइंट ये रिट्रेट करते हैं, उन्हें माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, अंडर नरिस्ट है, अंडर है, जो कि आप देख रहे हैं हेल्थ का जो इश्यू है हमारे बच्चों में, वो इस रिपोर्ट में भी उसको रिट्रेट किया गया है। नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि मैं आऊंगा और आई एम गोइंग टू कंक्लूड आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स, वो ये है क्या कि जब इतने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अब यह बताएं कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग का जो
रिपोर्ट है एक हमारा नरिशिंग इंडिया, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, वो कहता है इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, ये विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ, नियरली एवरी फिफ्थ यंग चाइल्ड इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 43 करोड़ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स इन आवर कंट्री। अब आप देख लीजिए कि आप में हमारे यहाँ जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन की संख्या है वह है तकरीबन 43 करोड़। अब आप ये देख लें कि 43 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ हैं, इस 43 करोड़ बच्चे में क्लास 8 तक जो बच्चे मिड डे मील स्कूल में जा रहे हैं मात्र 11 करोड़ जा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी बच्चे वो शायद हों जो कि संपन्न परिवार से हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि उनका इसमें ज्यादा ये है, क्योंकि ये भी एक डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा फिर वो डेटा मिसमैच करता है। ये आपने देखा कि 8 क्लास तक 12 करोड़ बच्चे मिड डे मील में जाकर के उसका फायदा उठा रहे हैं, यहाँ बच्चे हैं 43 करोड़ जो कि हमारे पास फिगर है नीति आयोग का, नरिशिंग इंडिया रिपोर्ट है। लेकिन हमारे जो बच्चे अब कॉलेज में जा रहे हैं वह जो है दैट इज ओनली 800,000 बच्चे 2018-19 में कॉलेज में हायर एजुकेशन में एंट्री किया। अगर हायर एजुकेशन में एंट्री बच्चे हमारे ये हैं इतने कम हैं, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं कर रहा है, स्कूल एजुकेशन के पहले वो क्लास 10 के पहले वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और उसमें से बहुत ही कम, इट्स वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ देम, वो बच्चा जाकर के हायर एजुकेशन में जा रहा है। एज अ रिजल्ट हरविंदर जी, जो अब हमारे सामने जो रियल पिक्चर जो इमर्ज कर रहा है वह यह है कि हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है दैट इज पैथेटिक, वह इट्स लेस देन 28%, इट्स नियर 27%। अब आप समझ जाइए कि हमारा टारगेट है कि हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का टारगेट हमारा 26 से 27% है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि इसको 50% पे ले जाएंगे, बट मेरा यह मानना है कि वाई ओनली 50%, जब 100 बच्चे करना पड़ेगा कि एजुकेशन जो है इट्स नॉट ओनली फ्री बट इट्स आल्सो मैंडेटरी, क्लास 12 तक मैंडेटरी कर सकते हैं या क्लास ग्रेजुएशन तक मैंडेटरी कर सकते हैं, फिर उसके रेमिफिकेशंस हैं, उसके चैलेंजेस हैं, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उतना करते हैं तो क्या उसके जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम कैसे बियर करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम 95% इनरोलमेंट से हमने कहानी स्टार्ट की, वह आकर के 95% इनरोलमेंट आकर के हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट है जो है वो 28% पे आकर के खत्म हो जाता है। हमने 100% से यात्रा शुरू की और 30% पे हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की जर्नी खत्म हो जाती है, एंड इन बिटवीन देयर आर मेनी ईप्स एंड बट्स, बट व्हाट गिव्स अस द सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इज द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज गेटिंग सीरियस अबाउट इट एंड इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है एंड वी हैव टू इंश्योर कि हमारा ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट जो है वह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होनी चाहिए, इट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड बी डन इन ए प्रॉपर मैनर। उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन पे वी नीड टू वर्क अ लॉट, और एज आई सेड इट शुड नॉट बी द फोकस ऑफ वन ईयर्स बजट, इट शुड बी द प्रिंसिपल फोकस ऑफ एवरी ईयर्स यूनियन बजट एंड द बजट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल, इफ वी विश टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन रियल सेंस ऑफ द। Thank you so much, Harvinder ji, for listening to me despite so many glitches. इसके बावजूद काफी students अभी भी जुड़े हुए हैं हमसे, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही positive sign है। Over to Harvinder ji. Students से ज़्यादा teacher जुड़े हुए थे सर, actually हमारे आसपास के colleges के teachers जुड़े हुए थे maximum सर।
नहीं, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इस तरह के विषय पे बातचीत करना हमें लगता है क्या कि जरूरत है, एंड इट्स वेरी एजुकेटिव एंड आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इवन एज ए जर्नलिस्ट हम तो बातचीत करते ही रहते हैं, बट वेन ऑल द स्टेक होल्डर्स कम टूगेदर देन वी कैन एड लॉट ऑफ वैल्यू टू द डिबेट एंड डिस्कशन। सर क्वेश्चन आंसर आवर रखा हुआ है सर, रिक्वेस्ट है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिनको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रखना है, बजट की कोई बात समझ में नहीं आई या बीच में उसको समझना चाहते हैं या राजीव सर ने जो भी बताया उसके बारे में आप और कुछ पूछना चाहते हैं, यू ऑल आर वेलकम, आप आए और क्वेश्चन रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाँ, कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, कोई भी डाउट है वो आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं बजट का। और जैसा कि हम लोगों ने बात शुरू भी की थी कि मार्केट इकोनॉमी और जो वेलफेयर का पर्सपेक्टिव है, बजट उनके बीच में जिस तरह से बनाने की कोशिश की जाती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एफर्ट है, वहाँ एक विजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारी चीज डाटा से अगर हमें समझ में आ जाए और डाटा से हम सुलझा लेते तो आज तक दुनिया की सारी हमने समस्याएं सुलझा ली होती। बिल्कुल सर, से भी हमें बहुत सारा जरूरत है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक ह्यूमन बजटिंग, जो ह्यूमन टच है बजटिंग का, उसको जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाकी राजीव जी इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट जिस तरह से सोचते हैं और जो आम आदमी की समझ है बजट के बारे में, दोनों का एक बड़ा बहुत बड़ा अंतर है। जी जी, बजट विकास का है। आशुतोष जी, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ कंसेप्ट या परसेप्शन ये है कि बजट का मतलब है कौन चीज सस्ता हुआ, कौन चीज महंगा हुआ और कहाँ हमें कितना रिबेट मिला, कितना मिला। तो नॉर्मली बजट से यही तो लोग यही पूछते हैं कि हमें क्या मिला बजट में। बजट बजट कोई ये लंगर का, वो लंगर का लंगर थोड़े ही है कि सब चीज के लिए सब चीज मिलेगा। बजट इज एन अकाउंटिंग, दिस अकाउंटिंग रोड मैप फॉर नेशंस इकोनॉमी, एंड जो डेटा है, डेटा गिव्स यू सर्टन इनसाइट्स इनटू सर्टन थिंग्स, उसके आधार पे देन यू हैव टू मेक पॉजिटिव प्लानिंग, पॉजिटिव इंटरवेंशन एंड कंट्रीब्यूशन एज वेल। और मुझे जो आशुतोष जी, व्हाट आई फील एज ए जर्नलिस्ट, हमारे मैं जो फील करता हूँ, एंड आई फील इट विद टोटल सेंस ऑफ ऑनेस्टी, सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन, हमारे यहाँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो हमारा जो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है और फंड्स का सही तरीके से यूज नहीं होता है, और मुझे लगता है और जो है कि थोड़ा कम पैसे से भी कभी कभी बहुत अच्छे काम हो सकते हैं अगर आपके पास क्लैरिटी है, प्लानिंग है, बट मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। अदरवाइज पैसे तो बहुत खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे आते नहीं है, पैसे बहुत खर्चे होते हैं, उस पैसे का डॉक्यूमेंट्स पे आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आ जाता है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल से वो मिसमैच नहीं करता है, बिकॉज अब वो उसके लिए फिर एक पॉलिटिकल जो टूल है वो हमें एक करप्शन का इशू आ जाता है, वो फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन जाते हैं बट वो बिल्डिंग्स कमजोर हो जाते हैं। मैं अपने गांव का एग्जांपल दूं, अभी 5-6 साल पहले बिल्डिंग बनी थी और अभी मैं 2 साल पहले गांव गया, उस बिल्डिंग में लिखा हुआ था बिल्डिंग खतरनाक, नॉट टू बी यूज्ड। अगर हम इस प्रकार से रिसोर्सेज को यूज होगा, एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रिसेंटली व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद सर, और गाजियाबाद में लोग श्मशान में गए थे, वो सेट गिर गया, 15-20 लोग मर गए, एंड द कॉन्ट्रेक्टर एडमिटेड दैट कि जब पैसा सारा हमें आप खर्च ही नहीं करने देंगे जिस काम के लिए दे रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वी एक्सपेक्ट। सिमिलरली इट अप्लाइज टू ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टूल्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, लैब है, एजुकेशन है। आप चंडीगढ़ ऐसे शहर में, आशुतोष जी, आप साइंस की लैब नहीं है, इस वजह से आप साइंस के बच्चों का एडमिशन नहीं करते, तो फिर उसमें बच्चों को क्या दोष है? They don't have arrived in this world with a set of crimes and mistakes.
वो प्रोसेस तो वही है, बट हमारी अप्रोच और सोच में मुझे लगता है सीरियस फ्लॉ है एंड इट्स अ डिबेटेबल इशू. मैं कुछ उसको आई एम नॉट इन पोजीशन टू गिव एनी काइंड ऑफ पेनेसिया, बट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स जो मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं, एंड देन वी ऑल नीड टू कम टूगेदर ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म एंड देन वी कैन वॉक अकॉर्डिंगली टू बिल्ड एन आत्मनिर्भर भारत. अदरवाइज तो नहीं हो सका सर. जी जी थैंक्स सर. प्रोफेसर अविनाश जी बिहार से जुड़े हुए हैं. ही इज अ प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड एथिक्स एंड पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार आपको भी. और आपने इतना अच्छा विश्लेषण किया है कि अपने उद्गार प्रकट करने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाया. एंड इट इज अ वंडरफुल. थैंक यू सो मच सर. एनालाइज्ड इन अ ब्यूटीफुल वे. But only thing that is emerging in my mind in such a grave situation of corona and lockdown and so many things, how such sort of budget has been prepared, because the entire nation is struggling with the financial crisis. So how Modi or his government has tried to improve the situation in a better way, comparatively better way, one thing. And second thing, I do agree with you because he I come from Bihar and I see the factual situation and the situation of the ground as well. What I found ki we were in havoc when a lot of people will come from Mumbai, Calcutta and so many places after lockdown. What will happen? Because there will be a terrible situation. But everything was handled because I am in Jharkhand Pradesh, which is widely known for its next light activities, and most of the people who came here from different states. So I was there was apprehension that some next light movement will flourish, but unfortunately this could not take place in that way. To my mind, it appears that I have also delivered a lecture on Buddhist economy and a corona economic crisis. So in that I observed that what happened ki DRDA has taken so many people, about I think more than lakhs and lakhs of people, for construction work on the bordering areas, and in the meantime the agriculture work was going on. So most of the laborers were engaged there, and so many people went there. So this may be one of the reason, but despite all these things in the booming economy that was going and stooping down, how this beautiful budget has come. Could you please kind enough to spotlight on this aspect of the scenario? Yes sir, I am totally in agreement with you, because last year was a very tough year, and because since this budget has come in the backdrop of this havoc which was caused by the corona pandemic, the task before the government was certainly not that easy, and despite so many constraints, because the government has been able to come out with a roadmap for at least for a couple of years how India needs to prepare itself economically, socially and financially to take on other challenges which are going to emerge in due course of time, because which we suffered, keeping country almost sub for a year was not a simple decision, sir. And it was a global phenomenon, because you cannot expect certain kind beyond a point any kind of critical help from any part of the country, because the whole world is now engaged in a build process. So accordingly, the government of India has put in place this mechanism, which I think is very important, and I personally feel that the budget which was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on 1st of February is really deserves the best of appreciation. This is what the best she could have done in the given circumstances, and all criticism apart, she has done, the government has done the best thing in circumstances, that I am aligned with you this issue. And I have given 10 out of 10 to the government at the center and finance minister as well. This is the best she could have done in the given circumstances. My only observation is that domestic investor
also, you know, rise to the occasion. They are not ready to spend money on people-friendly initiatives. They are not ready to invest money on the people's empowerment, on the development of human capital. They keep themselves confined to the so-called CSR activities, which are nowhere institutionalized in any developing country, not even in our country. That is my only concern. And that thing, I think that we should also talk about, that they should actively become an agent for positive changes in our country, and they should start with the development of human capital in more ways than, instead of engaging themselves in performing a few formal responsibilities or something like that. Great, बहुत सही, बहुत सही जी मैम. और यदि किसी का कोई टिप्पणी हो, कोई कमेंट हो, या कोई क्रिटिकल कमेंट्स हो, क्योंकि उसी का आजकल जमाना है. मोस्ट वेलकम टू क्रिटिकल अप्रेजल का ही जमाना है. सो जी नहीं तो मैडम हरविंदर जी, एक छोटा सा डिस्कशन है राजीव सर से. जी जी. जो टोटल डेफिसिट है सर, ये दो तीन डाटा इसके भी, जैसे आपने बताया कि 9.5% ऑफ जीडीपी है सरकार, इस कोरोना के कारण ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है सरकार का. वो सरकार जो ये फिस्कल डेफिसिट को अब एक तरह से सुधारने के लिए, मिनिमम करने के लिए, अपनी पब्लिक एसेट्स को बेच रही है. पिछले बजट में बीएसएनएल का था, एयर इंडिया का था, अब की बार एलआईसी का है. सर ये सरकार कहाँ तक सही है? मतलब वो सोशल मीडिया में भी बड़ा मजाक का विषय बनता है, मतलब कहाँ तक सही है सर ये सरकार का ऐसे बेचा जाना पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं? हरविंदर जी, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बात फिर वही आ जाती. हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे कि आपने बीएसएनएल का एग्जांपल लिया, इसमें अंडरटेकिंग्स की कोई गलती नहीं है, गलती है हमारी मैनेजमेंट की. हाउ वी मैनेज, हाउ वी हैव बीन एबल टू ऐड वैल्यू टू द एसेट्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड ओवर द इयर्स. अब आज की तारीख में जैसा कि बीएसएनएल की अगर हम बात करें, बीएसएनएल देखिए जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, उस लेवल की सर्विस उनको देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि यू टू बी कॉम्पिटिटिव ऑल्सो. अब यह है क्या कि सरकार को ऐसा लगता है क्या कि इसमें हमारे बहुत खर्चे हो रहे हैं, और उतना खर्चे करने से बेटर है कि थोड़ा सा हम का शेयर बेचते हैं, इसको डिसइन्वेस्ट करते हैं, एंड टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव, समथिंग लाइक दिस. अब प्रॉब्लम यहाँ हरविंदर यह है कि आप बेच तो रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है. दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है दैट वी आर नॉट एबल टू मीट. लास्ट टाइम तो लास्ट ईयर तो चलो होना ही नहीं था, बिकॉज दिस वन लास्ट टू लास्ट ईयर भी नहीं हुआ है. इन 7-8 साल 10 साल का डिसइन्वेस्टमेंट का जो हमने टारगेट लिया है, जब ये मंत्रालय बना गया, मंत्रालय इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड आई थिंक दैट अरुण सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत होगा तो यूज इट बाय करेक्टिंग मी. तो तब से डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मीट करना बड़ा डिफिकल्ट रहा है. प्रॉब्लम यही है कि आपके जो इंटरनल जो इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ बहुत कम हो रहा है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 32% होना चाहिए इन ए कंट्री लाइक इंडिया. मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो बट मैं फील करता हूँ, वट एवर लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ इंडिया एज ए कंट्री एज ए सोसाइटी, दिस परसेंटेज शुड बी नॉट लेस देन 35%. आप पैसा जब यहाँ से कमा रहे हैं तो पैसा आप लगा क्यों ले रहे हैं? What stops you when you have earned the money from here by selling your services to the people of the country, then why are you are not reinvesting money in our country? So that's a serious issue, because foreigners to foreign investment to sab mein aayega nahi. Foreign investment dekhiye, humne education ko liberalize kiya, ek bhi sarkari vishwavidyalay chahe wo US या UK का हो, वो अपना कैंपस यहाँ सेटअप नहीं कर रहा है. सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं और वो टाइप कर रहे हैं. ज्यादातर वो टाइप करते हैं ताकि वो पैसा कमाए और अपनी ये करा. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट का इशू और हमारे फिजूल के खर्चे भी बहुत है. अब जी सर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स को कम करके खर्चे रोक लेंगे तो वो दैट्स नॉट पॉसिबल.
वो और आपके खर्चे बढ़ाएंगे और इसके लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशन बहुत होंगे। एक मिनिमल जो हमारा जरूरत है मैन पावर की वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, इवन दैट वी आर नॉट प्रॉब्लम्स होगा। फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने का एक और एक मात्र तरीका है, आपको हमारा जो टैक्स का सिस्टम है वो हमें उसको सुधारने है। अरुण जेटली जी ने एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ टैक्स नॉन कंप्लायंट सोसाइटी, लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, टैक्स की यहाँ अजीब तरीके से बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चोरी कर लेते हैं। मैं बताऊं कि मतलब और इतने कॉन्फिडेंस से वो टैक्स का चोरी हो जाता है, आप देखते हैं कितने करोड़ों रुपए का कभी जब रेड होता है तो उसमें मिलता है, जीएसटी को लेकर के कितनी सारी इश्यूज आते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पे हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को डिसइन्वेस्ट करके उसकी जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता है। नॉट बियॉन्ड ए पॉइंट एंड दैट्स नॉट द सस्टेनेबल मॉडल, बट एट द सेम टाइम डिसइन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, वो जरूरी भी है। जैसे कि सरकार कह रहे हैं कि नॉन स्ट्रेटेजिक जो अंडरटेकिंग्स हैं उसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो खरीद कहाँ रहा है, कोई बिक कहाँ रहा है, कोई पैसे लगा ही नहीं रहे हैं। आप देखिए ना, आपको कोई ना, एयर इंडिया बिक ही नहीं रहा, भारत सरकार बेचने के लिए तैयार है एंड इट्स नॉट बीइंग सोल्ड, कोई खरीद नहीं रहा है। और कई लोग तो प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये भी कहते हैं कि हम उतना पैसा लगा के खरीदे, हम छोटा सा, हम एक इंडिपेंडेंट ही क्यों ना शुरू करना, समथिंग लाइक दिस। तो अरविंदर जी, इस बात पे मुझे लगता है कि वी नीड टू डेलिबरेट अ लॉट ऑन दिस इशू, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट हो तो रहा है लेकिन उसके जो बायर्स हैं वो आ नहीं रहा है, पीपल आर नॉट रेडी। आप एलआईसी में करेंगे, एलआईसी खरीद लेगा, एलआईसी विल नॉट बी एन इशू बिकॉज एलआईसी इज वेरी प्रॉफिटेबल। ये जो अंडा देने वाला मुर्गी है उसमें यू विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम, बट अदरवाइज देयर इज प्रॉब्लम। जो जो कि बड़ा हाथी है, जो व्हाइट एलिफेंट जैसे कहते हैं, एयर इंडिया व्हाइट एलिफेंट है, उसमें दिक्कत है। तो डिसइन्वेस्टमेंट यस भी है, नो भी है, और गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कि हमको कहीं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन टू फिस्कल डेफिसिट, लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर, दैट इज नॉट डेफिसिट। एज आई सेड, फिस्कल डेफिसिट कर्ज लेकर के आप उसको नहीं कर सकते, आप कर्ज लेकर के फिर आप एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कर रहे हैं, फिर तो सिस्टम और खराब हो रहा है। आप कर्ज लेकर के कर्ज दे रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ विशस सर्किस फॉर योरसेल्फ। लेट मी एडमिट इट वेरी ऑनेस्टली दैट डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन टू फिस्कल डेफिसिट, यू विल हैव टू थिंक ऑफ अदर मेजर्स, अप्लाइड मेजर्स। आप चाइना से सीखिए उन्होंने कैसे किया, खर्चे आप हेल्थ एजुकेशन कम करके भी आप फिस्कल डेफिसिट, दैट विल बी डिजास्ट्रस। इट इज जस्ट लाइक नॉट गिविंग मिल्क टू योर चिल्ड्रन टू मैनेज योर होम किचन बजट, ये तो डिजास्ट्रस है, फिर तो भूखे रहे, ये फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो सबको केदारनाथ जाना पड़ेगा, हवा पी के रहेगा। नो नो, दैट्स अ बिग नो टू दैट, डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन टू फिस्कल डेफिसिट, वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। अरविंद जी, जी सर, राइट यू सर। किसी का कोई और क्वेरी हो इससे रिलेटेड? राजीव चंद्र जी की मुझे लगता है, राजीव जी कुछ, राजीव सर है, हाँ जी, राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आ रही है मुझे, आप सुन रहे हैं सर? properly he perhaps is not properly connected. आपकी आ रही है सर? मैडम हरविंदर जी, आप उनका जो ये हैंड सिंबल है उसको डाउन करिए एक बार। किनका है सर? राजीव जी का उसमें है। राजीव सर बोल रहे हैं बट उनकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, वो हो सकता है उस वजह से ही हो। राजीव आपकी आवाज नहीं आ रही। राजीव सर की आवाज नहीं, लेकिन सर आपकी आ रही है। मैं अब मैं इसे दोबारा लॉग इन करूं क्या सर? नहीं 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 सर, आपको नहीं, नहीं, नहीं लॉग इन करना। वो राजीव सर हैं हमारे, एक दूसरे कॉमर्स भी, उनकी आवाज नहीं आ रही शायद, उनका कोई उनकी बात कर रहे हैं। राजीव चंद्र शर्मा, राजीव चंद्र शर्मा। अच्छा, मेरी आ रही है ना? हाँ जी सर, आप वो राजीव शर्मा, आपके नाम शर्मा जी की नहीं आ रही है।
जी सर, तो सर राजीव सर को तो हमारी बात भी नहीं सुनाई दे रही है, इतने में कोई और पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। चलिए राजीव सर तो शायद लेफ्ट कर गए हम। ठीक है मैम, फिर इसको हम पूरा करते हैं, आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें और एक टिप्पणी के साथ। जी सर, थैंक यू सर। आज के जो हमारे इस वेबिनार के मेन स्पीकर थे, रिसोर्स पर्सन है राजीव रंजन रॉय जी, हमने स्टार्टिंग में ही बताया एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं और इकोनॉमिक्स पर उनकी खास पकड़ है। बजट के बारे में जो उन्होंने तथ्यों के साथ, फैक्ट्स और डेटा के साथ जो हमें आप सबको बताया है बड़े विस्तार में, और फिर एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ा, हेल्थ से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और बड़े डीप उन्होंने हमें इस बारे में नॉलेज दी, हमें बताया। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, वो तो चांस की बात है कि इंडियंस की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, इवन अगर हम देखें तो हेल्थ के ऊपर हम लेस देन 1% खर्च करते हैं, और अमेरिका मोर देन 10% खर्च करता है, चाइना जो हम जैसा ही एक डेवलपिंग कंट्री है मोर देन 4-5% वो भी हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। डॉक्टर्स की संख्या बड़ी कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इवन कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे कहते हैं ना कहीं वेल्थ से ही हमारी हेल्थ डिसाइड होती है। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो एस्टेब्लिश करता है इसको प्रशासन, उसी को कहीं इस पर विश्वास नहीं होता, इसकी सर्विसेज पर विश्वास क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो एजुकेशन की बात कही गई कि एनरोलमेंट बढ़ाने की जरूरत है, एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने की जरूरत है, और जब वो हायर एजुकेशन पे जाता है स्टूडेंट और ऊपर की लेयर्स में पहुंचता है, वहां जाकर उसका एनरोलमेंट और भी कम हो जाता है, हायर स्टडीज में कम हो जाता है, इसके रीजन ढूंढने ज्यादा जरूरी है। सर ने बताया कि इसके लिए इनोवेशन पर, रिसर्च पर खर्चा किया जाना जरूरी है, और रिसर्च सिर्फ एक फील्ड में नहीं, एवरी फील्ड, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बैकबोन है इकोनॉमी की, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, इनोवेशन है, इकोनॉमी की बैकबोन है। हम अपने बजट को इस तरह से सेट नहीं कर सकते, अभी अभी सर ने कहा कि मैं अपने बच्चे के दूध में कटौती कर लूं, नो, फिर ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ना ही हम अपनी इकोनॉमी की एजुकेशन में कटौती कर सकते हैं, ना ही हेल्थ में कर सकते हैं। एक स्वस्थ भारत की हमें जरूरत है। बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर लगभग 50% जो बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो मिड डे मील को जो शुरू किया गया था, इसी पर्पज से शुरू किया गया कि बच्चों में जो ये कुपोषण है, ये कुपोषित भारत है, इसकी छवि को खत्म किया जाए। हमारी तो सर ने जो इतनी सारी बातें बताई, और इवन हमारी यही भावना रहती है कि सरकार जब भी बजट लेकर आए कम से कम शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य, इस पर ज्यादा फोकस रहे, क्योंकि यहीं से एक नव भारत का निर्माण होगा, एजुकेशन के साथ और हेल्थ के साथ। बाकी सर ने बहुत ही, मैंने अभी भी कहा कि तथ्यों के साथ सर ने बात की है, डेटा के साथ बात की है, जैसे प्रूव किया है सर ने कि यहाँ पर इतना खर्च किया जाना चाहिए था, हमारे लिए बड़ा ही नॉलेजेबल रहा लेक्चर, और हमारे लिए ही नहीं बल्कि जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैक्सिमम एक बड़ी बात है कि मैक्सिमम लगभग 54-56 पार्टिसिपेंट रहे बीच में, और उनमें से 30 से ज्यादा टीचर्स थे। तो बड़े ध्यान से सबने सुना है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कभी सर इस कोरोना काल को निकल जाए, कभी बैठ के सर को फेस टू फेस सुनना चाहेंगे, और किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे सर, क्योंकि बजट ऑफ नेक्स्ट ईयर है, तो इस दौरान कोई और सरकार की योजना आती है किसी भी तरह का, सरकार का एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए कुछ और आता है, क्योंकि अब की बार निश्चय ही जरूरी था सरकार का फोकस हेल्थ पर होना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना आया ना तब तो हमें ये चिंता थी कि क्या हमारी देश के लोगों को मास्क भी ना अवेलेबल हो पाए, बड़ा चिंता थी। मैं खुद सोचती थी घर पे बैठकर, हमने बड़े सारे मास्क बनवाए, एक संस्था में काम करती हूँ सर, मैं एक सामाजिक संस्था है, उन्होंने, हमने मास्क बनवाए और मास्क लेकर लोगों के बीच में बांटे,
हमें बड़ा दुख आता था कि कहीं इटली की तरह महामारी यहाँ पर फैल गई तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। पर अच्छा रहा, हम इंडियंस की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, बट फिर भी हम सारी बातें भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जरूरी है, हमें अपना बजट उसके अकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आइडियाज आपने शेयर किए बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक था ये सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद सभी जितने भी प्रतिभागी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, और निश्चित ही हम दोबारा फिर जुड़ेंगे किसी न किसी ऐसे एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय को लेकर के, जिससे हम लोगों की परसेप्शन भी वाइडर हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो, क्योंकि ये सेमिनार्स इन्हीं कारणों से किए जाते हैं कि परसेप्शन वाइडर हो और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गहरी हो, यही हमारा लक्ष्य था। और आज का ये लेक्चर, आज का ये वेबिनार बिल्कुल सफल है, मैं समझता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी का और सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। जिन लोगों ने लिंक नहीं भरा वो प्लीज लिंक भर दीजिएगा, लिंक क्लिक करके।